साउथ के सुपर स्टार एक्टर रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 2.0 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। यह ट्रेलर रिलीज हुआ सुबह से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के मौके पर सुपरस्टार रजनीकांत के अलावा फिल्म में विलन का रोल प्ले कर रहे बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी पहुंचे। 2.0 के ट्रेलर को हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा में लॉन्च किया गया। यह साल 2010 में आई फिल्म रोबोट का दूसरा पार्ट है। ट्रेलर में शहर भर में मौजूद लोगों के पास मोबाइल फोन को विलन अपने पास मैग्नेटिक पावर से खींच लेता है। इसके बाद चील के रूप में पूरे शहर में आतंक मचा देता है। हालांकि पावरफुल विलन से लड़ने के लिए रोबोट फिल्म की तरह सुपर पावर को यूज करने के लिए साइंटिस्ट डॉक्टर वशीकरण बने हैं चिट्टी को बुलाते हैं। वहीं देखना यह होगा कि लोगों के पास से मोबाइल फोन के गायब होने की वजह क्या हो सकती है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया कि लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। फिल्म को ट्रेलर में उनके मोबाइल फोन छीनने वाले विलन अक्षय कुमार एक फौज तैयार करते हैं, जिसकी मदद से वो आम जनता को परेशान करने का काम करते हैं। ट्रेलर का ये सीन बताता है कि फिल्म के कॉन्क्लूजन में शायद ये कहानी दिखाई जाए कि हमें वर्चुअल वर्ल्ड से हटकर रियल वर्ल्ड में अपने लोगों के साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये इस कहानी का मोटो हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इस कहानी का पूरा मोरल क्या निकल के आएगा? आप अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ा हर खबर आपको यही मिलती है सबसे पहले।